फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मॉडी, करता हूं आपका स्वागत ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट्स के बारे में, लेकिन द मोस्ट वैल्यूएबल टिप ऑफ द वीक। तो पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? वास्तु शास्त्र में हम इस प्रोग्राम में शेप ऑफ द लॉट के बारे में बात करते हैं और वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार गौमुखी लॉट जो होते हैं वो घर के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं और वहाँ पे पीस हार्मनी बहुत सालों तक रहती है। और उसके कुछ खास रूल्स होते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन गौमुखी शेप को आइडियल मानते हैं। तो पल्लवी जी, बात करते हैं गौमुखी लॉट के बारे में, तो गौमुखी लॉट का शेप होता किस प्रकार है? ज़्यादातर गौमुखी लॉट उसको कहते हैं जिसमें लॉट का फेसिंग फ्रंट हो वो आगे से छोटा हो और पीछे जाके वो लॉट काफ़ी बड़ा हो जाता हो। बिल्कुल, जैसे गाय का मुख होता है, गाय का मुंह आगे से छोटा होता है और पीछे जाके उसकी गर्दन जो है वो बड़ी हो जाती है, तो ऐसे शेप को गौमुखी लॉट कहते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने बताया कि उस तरह के शेप को नॉर्मल वास्तु के हिसाब से अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर उसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट जाता हो तो फिर वो लॉट वैलिड नहीं माना जाता। तो हर चीज़ के अंदर कुछ खास तरह के उसमें ऑप्शंस होते हैं कि किन कंडीशनों के अंदर वो वैलिड नहीं है। तो गौमुखी लॉट अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ ना हो तो ही बहुत ही शुभ मानते हैं, और वास्तु के नियम के अनुसार रेक्टेंगुलर लॉट को भी बहुत अच्छा मानते हैं जिसके नॉर्थ साउथ छोटे हो और जिसके ईस्ट वेस्ट बड़े हो और हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर वो लॉट बना हुआ हो। उस तरह का अगर घर या बिजनेस हो उसको बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत टाइम तक एनर्जी फोर्स, एनर्जी फ्लो वहाँ पे अच्छा बना रहता है। ओरिएंटेशन भी अगर उस ऑनर के हिसाब से हो तो उस लॉट की खूबी है कि बहुत सालों तक वो लॉट एक यादगार बन जाता है और उसमें लाइफ स्टेबल रहती है। तो पल्लवी जी, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो वास्तु से काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो जैसे आपने अभी डिस्क्रिप्शन दी है गौमुखी और शेरमुखी, सो अकॉर्डिंग टू मी एज अ नॉर्मल लेमैन, शेरमुखी जो होता है वो पूरा ऑपोजिट है गौमुखी का, तो उनका जो डायरेक्शन है कम्प्लीटली ऑपोजिट। एक बात आपने कही थी कि जो शेरमुखी लॉट होता है उसके अंदर इफ यू हैव एनी बिजनेस दैट हैज टू डू विद फायर लाइक अ गैस स्टेशन या समथिंग ऑफ दैट नेचर, तो गौमुखी लॉट जो है उसमें किस प्रकार का बिजनेस सक्सेस होता है? वास्तु शास्त्र के अंदर मिट्टी के शेप, कलर्स और उसकी खुशबू से वास्तु शुरू होता है। तो अलग अलग तरह की 5 तरह की मिट्टी होती है, उसकी खुशबू होते हैं और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसको शुभ मानते हैं। उसमें सफ़ेद रंग की मिट्टी एक ऐसी है जो हर तरह के बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक उसी तरीके से गौमुखी लॉट जो है वो हर तरह के बिजनेस के लिए शुभ मानते हैं। कोई भी बिजनेस हो, फायर के भी बिजनेस, कुछ भी बिजनेस हो, गौमुखी एक ऐसा कॉमन लॉट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जिसके ईस्ट वेस्ट लंबे हो इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप को अच्छा मानते हैं। कुछ एक ऐसे लॉट होते हैं जो अनइवन शेप के होते हैं, जो जिगजैग कॉर्नर है, जिसके काफी कॉर्नर कटते हैं, ऐसे लॉट के अंदर भी वासुदोष खड़ा होता है और वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ आसान नहीं होती है। और कई बार आपसे बात करते हुए मेरे को अभी अपने एक्सपीरियंस का एक एग्जांपल याद आता है, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द शो होता है, जो कई बार मेरे को लोगों को ऐसा लगता है कि ये लॉट मैंने ले लिया ये गौमुखी है। वैसा ही एक बात बनी थी मेरे यहाँ पे ओक्लाहोमा में, एक क्लाइंट थे, उन्होंने एक लॉट ये पढ़ के लिया कि ये गौमुखी है, लेकिन जब उन्होंने पूरी मॉडल की बिल्डिंग डिजाइन की तो उसमें पीछे जाने के बाद उन्होंने बैकडोर के अंदर उसका लॉट ही ऐसा था कि जिसमें टू वे लॉट था, आगे से भी खुला और पीछे से भी खुला। तो जो मेन स्ट्रीट जो उनकी जो एग्जिट पड़ती थी वो वहाँ पे पीछे वाली एंट्रेंस में वहाँ पे रश ज्यादा रहता था, तो उन्होंने कनोपी पूरी पीछे बना दी। तो खरीदा गौमुखी लॉट लेकिन यूज उसको शेरमुखी के फॉर्म में किया, लेकिन दिमाग में यही रहा मेरा गौमुखी लॉट है, मेरा गौमुखी लॉट है। फिर बहुत सारी परेशानी हुई तो उनको लगता है वास्तु करता भी ये काम, ऐसा क्यों हो गया? तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया। तो जैसे आधा नॉलेज हमेशा रिस्क करता है, बहुत जोखिमी होता है, तो मेरे को बोला मैंने बोला कि ये तो आपका गौमुखी है ही नहीं। तो कहे नहीं, मैंने गौमुखी देख के लिया है। मैंने कहा गौमुखी लिया लेकिन आप उसको यूज कैसे करते हो? इस तरह से आपकी बिल्डिंग खड़ी है तो आप उसको शेरमुखी बना के यूज कर रहे हो। देन ही रियलाइज किया ओके ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। सो कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ दिलो दिमाग में कुछ और समझ के लगते हैं कि वास्तु हो गया, लेकिन जब वो मास्टर्स उसको अप्रूव करते हैं तभी वो बात सही होती है। बिल्कुल पल्लवी जी, आपसे बात करके मैं खुद इतना सीख रहा हूँ कि मेरी नॉलेज इतनी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दोस्तों पल्लवी जी, मैंने एक और लॉट के बारे में सुना था या कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उसका नाम पाई शेप लॉट, जैसे हम पाई खाते हैं एप्पल पाई, तो ये पाई शेप लॉट कुछ होता है और अगर होता है तो क्या होता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार पाई शेप लॉट उसको कहते हैं जिसका विड्थ आगे से बहुत ही छोटा हो, जैसे 20 फीट जिसका विड्थ हो और उसकी लंबाई उस लॉट की 220 हो या आप 120 हो, तो इस तरह के शेप को वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार एनर्जी फोर्स का सोर्स अच्छा नहीं मानते और वहां पे एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो, दैट्स व्हेन वी आंसर आवर क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स। पढ़ते हैं हमारे ईमेल सेक्शन की तरफ और पल्लवी जी, लेते हैं हमारा सबसे पहला ईमेल। लिखते हैं रोमेल एंड श्वेता, हु राइट अस ऑल द वे फ्रॉम ओंटारियो कनाडा। हेलो देयर ऑन द अदर साइड,
होप यू गाइस हैविंग अ गुड डे. इनका क्वेश्चन ये है, और पहले तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट करें, दे लव आवर शो एंड all their friends and their friend circle watches the show regularly, and they've been telling other people about our show as well. So thank you so much, Romel. Thank you so much, Shweta. Her question is, when they opened the door, did see two things. The first thing, ek sewage tank unke ghar ke ekdam samne, aur unke ghar ke bahar poles hain, electric poles. To wo ye puchna chahte hain Pallavi ji, that is this things bad for them or should they do something about it? श्वेता जी, अगर आपका घर नॉर्थ दिशा में बना हुआ हो और घर का दरवाज़ा खुलते ही सामने सीवर लाइन दिखती हो, तो उससे मकान में हेल्थ इश्यू के निशाने बन जाती है. आगे चल के ऐसे घरों के अंदर अच्छी हेल्थ नहीं रहती है. और इलेक्ट्रिकल पोल जो है वो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अच्छा नहीं मानते हैं. उसका डिपेंड करता है कि कौन से दिशा की प्रॉपर्टी आपकी है. लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल और सीवर लाइन दोनों चीज़ ज़्यादातर आपको नेगेटिविटी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है. तो या तो आप अपना पूरा फ्लोर प्लान भेज सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आप लैंडस्केपिंग में ट्री वगैरह की हेल्प से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. फेंसिंग के थ्रू और लैंडस्केपिंग के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है. Romel and Shweta, thank you so much for writing into us. Once again, hello from the other side, and keep spreading the love and tell people about the show and keep watching. Pallavi ji, jaise main hamesha kehta hu, waqt kisi ke liye nahi rukta, aur ab waqt hua hai hamare pyare darshakon ko alvida kehne ka, lekin sirf is vaade ke sath that we'll be back next week with another exciting topic with your host and dost Matikan and a master of vastu shastra and feng shui, Pallavi Chhelavda ji. Dosto, hame likhte rahiye, please send us your questions on 123vastu@gmail.com. Send us your full name, date of birth, including your floor plan, and we'll be more than happy to respond. Agar aap chahte hain ki hum aapke ghar ya aapke business par aaye, we'll definitely visit you. Lekin jaane se pehle, main aur Pallavi ji aapse ek baat kehna chahenge. Ek raah aur sahi disha jo zindagi badal de. Keep smiling, goodbye, and God bless.